अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर अहमद सियान एयर। सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो अपलोड वगैरह करता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस और भी फ्यूचर में पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि अक्सर पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मैदे में उनको काफ़ी ज़्यादा गैस का मसला रहता है, इसकी क्या वजह है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि किन किन लोगों को ये मसला दरपेश होता है। नंबर वन पे वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को एक ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खाना खाने की आदत पड़ी होती है। नंबर टू पे वो लोग होते हैं जो काफ़ी तेज़ रफ्तार से खाना खा लेते हैं और वो बड़ी जल्दी ही अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं। नंबर थ्री पे वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को स्ट्रेस ईटिंग की हैबिट होती है, यानी अगर किसी वजह से उन लोगों को कोई माइंड में परेशानी या स्ट्रेस का एलिमेंट है तो उस वजह से उन लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है और वो काफ़ी मकदार में अपने एवरेज जैसे मकदार में खुराक को वो इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर फोर पे वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को तंबाकू नोशी की आदत होती है, उन लोगों में तो ये काफ़ी ज़्यादा ये मसला कॉमन है। नंबर फाइव पे वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को अल्कोहल यूज़ करने की आदत है। नंबर सिक्स पे वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को घी से बनी हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें खाने की आदत होती है, जैसे जिसमें काफ़ी ज़्यादा आजकल जो जंक फूड इस्तेमाल करने का एक ट्रेंड बना हुआ है। नंबर सिक्स पे वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को जनरली कोई मैदे का मसला है, जिसमें मैदे में कोई अगर अल्सर हो गया है तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक बीमारी होती है जिसको हम गर्ड बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो ये ऊपर से खुराक की नाली आ रही है और मैदे के साथ वो उसका जंक्शन है, वहाँ पे एक वॉल्व होता है और अगर वो वेल्व लूज हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारी खुराक जो मैदे में होती है वो वापस खुराक की नाली में आना शुरू हो जाती है और नीचे मैदे में गैस की वजह बनती है। उसे नेक्स्ट आ जाती है एक सीरियस कंडीशन, अगर किसी को कोई मैदे में ट्यूमर है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और इसका तो लाजमी एज सून एज पॉसिबल कोई ना कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें थी जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और अगर हम इन लोगों को लुक आफ्टर कर लें तो हम इस मसले से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से हम इस मसले से बच सकते हैं। नंबर वन पे ये है कि आप कोशिश करें कि खाना जब भी खाएं तो भूख रख के खाएं। नंबर टू पे ये है कि खाना अगर आप दिन में 3 दफ़ा खा रहे हैं तो उसको 5 दफ़ा इंटरवल्स में डिवाइड कर लें, यानी खुराक की मिकदार वही रहेगी लेकिन आपने उसको डिवाइड कर लेना है 5-6 दफ़ा टाइम्स में और आपने जो उसके बीच वाला टाइम है उसको कम कर लेना है, वक्फे वक्फे से आपने वही खुराक खाते रहना है। इससे क्या होगा कि जो आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो एक्टिव रहेगा और आपको ये गैस का मसला नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि अगर आप कोशिश करें कि जब भी आप खाना इस्तेमाल करें तो उसके बाद कुछ देर वॉक कर लें। वॉक करने से क्या होगा कि जो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हो जाएगा और उसके बाद आपका जो गैस का मसला वो आपको नहीं होगा। अगर आप कोशिश करें खाना खाने के साथ ही आप ग्रीन टी पी लें तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन टी का ऐसा वज़न कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी जो एक रेप्यूट है वो बनी हुई है। लेकिन बेसिकली ये भी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, जिसकी वजह से जैसे ही आप खुराक इस्तेमाल करते हैं वो फौरन से डाइजेस्ट हो जाती है और आपको ये मसला नहीं दरपेश आता। उसे नेक्स्ट ये है कि आप कोशिश करें कि जो चिकनाई वाली खुराक है उसको मिनिमम यूज़ करें, यानी आप कोशिश करें कि जो घी से बनी हुई चीज़ें हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि आप अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर जो कंटेंट है वो इस्तेमाल करें, जिसमें जो फल और सब्जियां वगैरह आ जाती हैं उसका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मसला नहीं आएगा। उसके अलावा ये है कि जब भी आप गोश्त का इस्तेमाल करें तो उससे पहले कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं वो इस्तेमाल करें। तो वो जैसे ही वो जो गोश्त हमारे मैदे में पहुंचता है तो वो बेसिकली होता है तो प्रोटीन है, तो उसकी जो ब्रेक डाउन है उसके लिए पानी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अगर आप पहले से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आपको ये मसला नहीं होगा। देखिए, उसके अलावा ये है कि अगर आप एक चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें वो ये है कि अगर आप डेली 5 दिन भी आधा घंटा वॉक कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके इसकी बॉडी के ऊपर ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव जो असरात हैं वो आते हैं, तो ये लाजमी आप करें। उससे नेक्स्ट ये है कि अगर आपको अल्कोहल की आदत है तो उसको एज सून एज पॉसिबल ख़त्म कर दें। नेक्स्ट ये है कि आपने कोशिश करनी जो पेन किलर का इस्तेमाल है वो कम से कम करना है। उसमें काफ़ी कॉमन है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो जैसे डाइक्लो है, डाइक्लो गोली का इस्तेमाल जब भी आप दर्द को ख़त्म करने के लिए करेंगे और वो मैदे में जाएगी तो जो अल्सर है उसको ये और भी बढ़ा देगी। इन दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि अगर आपको पकाने के साथ खून आ रहा है, पेट में दर्द है, आपका वज़न कम हो रहा है
तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई ट्यूमर है। इस सूरत में जल्द से जल्द आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ये दिखाएं और वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको प्रॉपरली डायग्नोज करने के बाद आपको उसकी मेडिसिन देंगे। सो इन द एंड मेरा आपको ये मैसेज है कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। डॉक्टर अहमद शान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।